सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाबी खबरों के ताज़ा बुलेटिन दे विच मैं हरप्रीत सिंह मठाड़ू तुहाडा स्वागत करदा हां। पंजाब दीआं ताज़ा तरीन खबरां तुहाडे रूबरू करांगे, सो वीडियो दे विच अंत तक जरूर बने रहना। जिन्हां वीरां भैणां ने हले तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां चैनल नूं भी जरूर सबसक्राइब कर लो, तां कि खबरां दा ताज़ा बुलेटिन तुहानूं समय सिर मिलदा रहे। पंजाब सरकार वल्लों 16,000 पोस्टां ते भर्ती दा फैसला, सारे विभागां तों मंगी रिपोर्ट। पंजाब सरकार ने वख-वख विभागां विच भर्ती करन दा फैसला कीता है। सरकारी विभागों काम तेज़ ते मुलाजमान ते काम का बोझ घटाने लिए 16,000 मुलाजमान की भर्ती की जाएगी। इसकी पुष्टि करदे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पिछलिया सरकार ने विभागों बोर्डों के कारपोरेशन खाली पईआं असामियां नूं भरन की कोशिश तक नहीं की, इस कारण कामकाज काफ़ी प्रभावित होया है। हुण भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हासिल जानकारी मुताबक विभागों के मुखियों तो खाली असामियां का वेरवा मंगया गया है। इस मगरों जल्दी ही खाली असामियां नूं भर के नौजवानों को रुजगार दिता जाएगा। विभाग के मुखियों को खाली असामी की रिपोर्ट मुख्य सकत्र के दफ्तर को भेजन के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट मिलने तो बाद राज्य के सीएम भगवंत मान विभागों बोर्डों के कारपोरेशन के उच्च अधिकारियों नाल सांझे तौर पर मीटिंग करेंगे। श्रेणी 3 ते श्रेणी 4 के कर्मचारियों के अधिकारियों दीआं होर असामियां भरिया जाएगियां। अगली खबर, पटियाला 24 साल नौजवान की शक्की हालात के मौत। पटियाला के अनाज मंडी थाने अधीन पैंदे गुरु नानक नगर में एक 24 साल नौजवान की शक्की हालात के मौत हो गई। घटना तो बाद थाने पुजे मृतक के पिता इंद्रप्रीत सिंह ने दोष लाया कि उसकी पत्नी ने अपने दोस्त नाल मिलकर लड़के गगनदीप सिंह का कतल किया है। इंद्रप्रीत सिंह ने दसाया कि कुछ साल पहला उसने अपनी पत्नी को इतराज़योग हालत के देखा, जिस तो बाद उसने अपने दोस्त नाल मिलकर उसकी बांह तोड़ दी। उदों तो वह वख-वख रह रहा है। हुण 24 साल के नौजवान पुत्र की मौत हो चुकी है। उसनू गुआंढियों ने दसिया कि पुत्र शनिवार रात 10:30 बजे काम तो वापस आया सी। जदों गगनदीप ने अपनी माँ को उक्त दोस्त नाल देखा तो दोवां विचाले लड़ाई हो गई, जिस तों बाद पुत्र की मौत हो गई। हालांकि दोष लगाउण वाले व्यक्ति की पत्नी का कहना है कि बुखार कारण लड़की की मौत हुई है। अगली खबर मोगा तो आ रही है। मोगा च संचालक ने एयर होस्टेस अकैडमी बना लिया सी। अयाशी का अड्डा कस्बा बदनी कलां विच एयर होस्टेस अकैडमी खोलण मगरों संचालक ने इसनों अयाशी का अड्डा बना लिया। 4 महीने पहला खुली इस अकैडमी विच सिखलाई लैण वालियां 2 कुड़ियां ने की छेड़छाड़ ते माड़े सलूक बारे शिकायत की। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुलजम नूं हिरासत दे विच लै लिया। पुलिस नूं खदशा है कि इस मामले में नहाले होर शिकायतां मिल सकदियां हन। दसणयोग है कि धालीवाल मार्केट में करीब 4 महीने पहला कस्बे के वसनीक मनप्रीत सिंह मारकंडा ने न्याया एविएशन LLP एयर होस्टेस अकैडमी चलाई सी। इस विच सिखलाई देने लई कुड़ियां मुंडियां नूं दाखल दिता गया सी। DSP ट्रेनिंग कम थाना इंचार्ज बदनी कला आतिश भाटिया ने दस्सिया कि अकैडमी विच 3 दुकानां सन। अंदर हवाई जहाज का ढांचा बनाया हुआ सी। नाल ही अकैडमी के उपर कुछ कमरे बने हुए सन। हाले तक जो तथ्य सामने आए हैं दे मुताबक अकैडमी विच 5 कुड़ियां ने ते कुछ मुंडियां ने दाखला लिया सी। DSP ने दसाया कि अकैडमी का संचालक मनप्रीत मारकंडा रात को कुड़ियों को जायजा लैण के नाँ हेठ कमरे में बुलाउंदा सी। उन्होंने दसदा हुंदा सी कि एयर होस्टेस बनने लई उन्होंने फिगर चंगी बनाउणी पवेगी। इस दौरान मारकंडा कुड़ियों को कपड़े उतारने लई भी कहिंदा सी, बाद विच उन्होंने शरीरक संबंध बनाउण लई मजबूर करता सी। अगली खबर, सांसद मैंबर रवनीत बिट्टू ने आप विधायक गोगी ते लाए गंभीर दोष। किसी समय एको पार्टी विच रह रहे कांग्रेस के सांसद मैंबर रवनीत बिट्टू और हुण आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी के विचकार विकास कार्यों का सेहरा लैण के दोषों और जवाबी दोषों से पहुँच गए हैं, जिस तहत गोगी वालों बिट्टू ते सिटी बसों की चोरी का दोष लाया है। बिट्टू ने कहा कि गोगी दसे कि 5 सिटी बसा कितने हैं, नहीं तो पुलिस को शिकायत कर जा रहे हैं क्योंकि उस को वीडियो है कि बसा कितने जड़े निजी काम लई चल रही हैं। जिस दे जवाब विच गोगी का कहना कि बिट्टू नूं MP दे रूप च मर्यादा च रह के गल करनी चाहिए है। बसा नगर निगम वालों कंपनी नूं दित्तियां गईआं हन, इस बारे होर जानकारी वो दे सकते हैं। खबर लुधियाणा तो आ रही है। लुधियाणा च चीते ने मचाया आतंक, कईआं नूं बना चुका शिकार। लुधियाणा के कई पिंडां विच चीते ने आतंक मचाया होया। चीते की दहशत नाल लोकां च सहम दा माहौल है। दस्सिया जा रहा है कि लुधियाणा नेड़े मत्तेवाड़ा दे जंगलों च एक चीता लुधियाणा के पिंड च दाखिल हो गया, जिस कारण लोग दहशत के साए दे विच रहना मजबूर हो गए हैं। दसिया जा रहा है कि इस चीते ने लुधियाणा के आस पास करीब 40 से 50 पिंडां च दहशत फैलाई है। उत्थे कई पशुओं नूं भी अपना निशाना बना चुका है। यह चीता रात को अपने शिकार लिए निकलता है तो लोगों के घरें तक विच वड़ के उत्थे बन्ने पशुओं को अपना खाना बना रहा है।
पानी दे विच डुब्बे पंजाब दे कई पिंड लोग घर छड्डण लई मजबूर है। पंजाब दे डैमां तों छड्डे पानी नाल सूबे दे कई जिलियां विच तबाही दा दौर लगातार जारी है। कई पिंडां च लोकां दे घरां विच पानी तक वड़ गया जिस कारण लोग घर छड्डण लई मजबूर हो गए हैं। जिस दे चलदे पंजाब दे डैमां तों पानी छड्डे जाण कारण सूबे दे दो जिलियां फिरोजपुर फाजिलका विच तबाही मचा रहा है। दोवां जिलियां दे करीब 74 पिंड BSF दीआं कई चौंकियां हड़ दी लपेट दे विच हन। तो शनिवार को हुसैनीवाला तो 282,875 क्यूसिक पानी छड्डे जाण कारण अगले 48 घंटे दौरान इन्हां सरहदी पिंडां विच भारी तबाही होने की संभावना है। सिद्धू नहीं सगों चन्नी कांग्रेस के जरनैल CWC च चरणजीत नूं मिली थां। कांग्रेस पार्टी ने अपनी नवी वर्किंग कमेटी का ऐलान किया है। पंजाब के सबका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी नूं कांग्रेस हाईकमान ने CWC के मैंबर वजो शामिल किया है। दूजे पासे पंजाब कांग्रेस के सबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नूं CWC विच थां नहीं दित्ती गई। इस तों पहलां सिद्धू नूं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी विच भी थां नहीं दित्ती गई सी। दस दईए कि फरवरी 2022 दीआं पंजाब विधानसभा चोणां दौरान नवजोत सिंह सिद्धू सूबा कांग्रेस के मुखी सन, पर चोणां विच करारी हार तों बाद कांग्रेस हाईकमान ने उन्हां दे इस्तीफे की मांग की सी। उस तों बाद गिदड़वाहा तों विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नूं पंजाब प्रदेश कांग्रेस दा नवां प्रधान बनाया गया सी। कोटकपुरा च सड़क के विचकार एक कार नूं लगी अग। पंजाब के कोटकपुरा विच सड़क के विचकार एक कार नूं अग लग गई। दस्सिया जा रहा है कि जिले के पिंड पंजग्राई विच एक स्विफ्ट कार जो कि CNG गैस भरवा के पंप तो बाहर निकली सी कुछ दूर जाण मगरों अचानक अग लग गई। कुछ ही पलों विच कार सड़ के सुआह हो गई। अग दीआं लपटां इन्नीआं तेज़ सन कि इस ते काबू पाउणा मुश्किल सी। दूजे पासे कार चालक दा कहना है कि पंप विच CNG गैस भरवा के घर जा रहा सी तां रस्ते विच इह घटना वापर गई। उसका कहना है कि कुछ दूर जा के मीटर दीआं सूईआं झपकण लगियां अते कुछ ही देर विच गड्डी नूं अग लग गई। दूजे पासे घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुँच के घटना का जायजा लिया। अगली खबर ले हादसे तो संबंधित है। शहीद होए नौजवानों में दो पंजाब तो मुख्यमंत्री वालों दुख का प्रगटावा। लद्दाख के जिले लेह में फौज का एक वाहन डूंगी खड्ड में डिगण कारण 9 सैनिक शहीद हो गए। एक होर सैनिक गंभीर जख्मी है। शहीदों में 2 JCO और 7 जवान शामिल हैं। वाहन सड़क तो खिसक के खड्ड च डिग गया। यह घटना लद्दाख के दक्षण में स्थित न्योमा लागे क्यारी विच वापरी। शहीद हुए जवानों में 2 पंजाब तो हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हादसे उत्ते दुख का प्रगटावा किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि लद्दाख च बीती रात वापरे भयानक हादसे च साडे देश की फौज के 9 बहादुर जवान शहीद होने की दुखद खबर मिली। पंजाब के 2 जवान इस हादसे के शहीद हुए हैं। एक फरीदकोट जिले का जवान रमेश लाल इस हादसे शहीद होया। दूजा बसी पठाना के पिंड कमाली का जवान तरनदीप सिंह इस हादसे शहीद होया है। सो ये सन अज दी मुख खबरां। उम्मीद है कि तुसीं वीडियो नूं लाइक शेयर चैनल नूं सबसक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं खबरों के अगले ताज़ा बुलेटिन के नाल। तद तक दे लई मेहरबानी, धन्यवाद जी।